10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लीन फेंग डिवाइन स्टोन के पास जाकर अपना टेस्ट देता है और अब सभी लोग देखते हैं कि लीन फेंग के पास मौजूद दोनों ही मार्शल सोल होली लेवल से ऊपर के होते हैं। यह देखते ही वहां पर खड़े कुछ लोग बोलने लगते हैं, आखिर लीन फेंग के पास मौजूद मार्शल सोल की पावर डिवाइन स्टोन पर लिखी हुई क्यों नहीं दिखाई दे रही होती है। यह सुनते ही मास्टर सिंग युआन सभी को बताते हैं कि यह डिवाइन स्टोन बस होली लेवल तक की ही पावर को स्कैन कर सकता है और लीन फेंग के पास होली लेवल से ज्यादा पावरफुल मार्शल सोल मौजूद है। इसी वजह से लीन फेंग की पावर डिवाइन स्टोन पर लिखी हुई नहीं आ रही है। और अब वह सभी को बताते हैं कि लीन फेंग की फिनिक्स मार्शल सोल सेंट लेवल की है और स्वॉर्ड मार्शल सोल गॉड लेवल की। यह सुनते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, लीन फेंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और उसके पास गॉड लेवल की स्वॉर्ड मार्शल सोल है, इस हिसाब से तो वह स्वॉर्ड गॉड बन सकता है। अब लीन फेंग उस जगह से अपने साथियों के पास आता है जहां पर उसके सभी साथी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। तभी सुयू लीन फेंग के पास आते हुए दोबारा से उससे फ्लर्ट करने लगती है और बोलती है कि लीन फेंग ने अपनी पावर यहां पर सभी लोगों से छिपा कर रखी, यह अच्छी बात नहीं। और लीन फेंग के पास गॉड लेवल की स्वॉर्ड मार्शल सोल है, इसी वजह से वह फाइट के दौरान इतने सारे होली स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पा रहा था। तभी लिली बोलती है, लीन फेंग इतना ज्यादा पावरफुल है कि वह एक से ज्यादा डिवाइन स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकता है। यह सुनते ही सुयू बोलती है, लीन फेंग के हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट में डिवाइन स्वॉर्ड तो जरूर मौजूद होंगे, तो कहीं यहाँ पर लीन फेंग ने अपने पास डिवाइन स्वॉर्ड भी तो छिपाकर नहीं रख रखा है। तभी साउटियान बाहर आते हुए बोलता है, मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, तो मेरे मास्टर से इस तरह फ्लर्ट करना बंद करो, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी चांस नहीं, क्योंकि मेरे मास्टर से यहाँ पर तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड लड़कियाँ शादी करना चाहती है। दूसरी ओर जैंक्विन अपने साथियों के साथ खड़ा यह देख रहा होता है और अब वह लीन फेंग के पास गॉड लेवल मार्शल सोल देखकर परेशान हो जाता है। अब सिनर टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ती है, वहीं पर वह काफी ज्यादा डर रही होती है। वहीं पर खड़े सभी लोग बोल रहे होते हैं, लीन फेंग के पास यहाँ पर गॉड लेवल मार्शल सोल है तो आखिर उसकी बहन के पास किस तरह का मार्शल सोल होगा। दूसरी ओर सिनर डिवाइन स्टोन को टच करने से डर रही होती है और अब वह टेलीपैथी का यूज करते हुए लीन फेंग से बोलती है, अगर उसने डिवाइन स्टोन को टच किया तो यहाँ मौजूद सभी लोगों को पता चल जाएगा कि उसके पास डीमन ब्लड लाइन है। तभी लीन फेंग बोलता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगा और जब तक मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब यह सुनते ही सिनर उस डिवाइन स्टोन को वहां पर टच करती है। यह देखते ही जैंक्विन और उसके साथी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी सिनर की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर चुके होते हैं। और अब गॉड ऑफ विल सिनर की सुरा मार्शल सोल को बाहर निकालते हैं। अब यह देखते ही लीन फेंग वहां पर चौकन्ना हो जाता है। अभी साओबाई लीन फेंग के पास आते हुए बोलती है, लीन फेंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गॉड ऑफ विल मार्शल सोल के साथ साथ सोल सी को भी स्कैन करते हैं और सिनर का सोल सी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्योर है, जिस वजह से उसे कोई भी खतरा नहीं होगा। तो आशा करो कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, और अगर इस बार मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी पावर का यूज किया तो मेरे पास मौजूद सभी पावर खत्म हो जाएगी, जिसके बाद मैं डीप स्लीप में चली जाऊंगी। यह सुनकर लीन फेंग परेशान हो जाता है, क्योंकि साओबाई के बिना वह गॉड्स के ग्रेवयार्ड को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता है। दूसरी ओर गॉड ऑफ विल अपनी आंख खोल लेते हैं, जो देखते ही लीन फेंग परेशान हो जाता है और अब वह अपने पास मौजूद गॉड सील को बाहर निकालता है। तभी गॉड ऑफ विल सिनर की मार्टल सोल के बारे में बताते हुए बोलते हैं, सिनर के पास होली लेवल की गॉड ऑफ वॉर मार्शल सोल है और अब सिनर भी टेस्ट में पास हो जाती है।
जो देखकर सिनर काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं पर आसपास खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं सिनर के पास सुरा मार्शल सोल है, इसका मतलब सिनर के पास जरूर डीमन ब्लड लाइन होगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लीन फेंग की बहन एक डीमन कैसे हो सकती है। तभी एक पर्सन बोलता है, कहीं सिनर की ही मदद से लीन फेंग इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं हुआ है, कहीं लीन फेंग डीमन सपोर्टर तो नहीं, और आखिर एक डीमन हमारे वल्केरी कॉम्पिटिशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है। और अब सभी लोग बोलने लगते हैं वह ऐसा नहीं होने देंगे, सिनर एक डीमन है तो वह उसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे क्योंकि अभी इसकी पावर कम है, पर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के बाद कल्टिवेट करके यह अपनी पावर को बढ़ा लेगी, जिसके बाद यह हमारे लिए खतरा बन सकती है, तो हम इसे और पावरफुल नहीं बनने देंगे। तभी सिनर बोलती है वह कोई डीमन नहीं है, और यह बोलते हुए वह वहां पर रोने लगती है। तभी लीन फेंग सिनर के पास आते हुए उसे शांत करता है और बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर अभी मौजूद हूँ। और अब वह सभी लोगों के सामने जाकर बोलता है, आखिर मेरी बहन सिनर को यहाँ पर कौन मारना चाहता है, वह मेरे सामने आओ। यह सुनते ही सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। तभी जीलो आगे बढ़ते हुए बोलता है, लीन फेंग तुम्हारी बहन एक डीमन है और मैं मार्शल गॉड टेंपल का एक डिसाइपल, हमारा काम है डीमंस को खत्म करना, तो अपनी बहन को हमारे मार्शल गॉड टेंपल के हवाले कर दो वरना तुम भी यहां पर मारे जाओगे। यह सुनते ही लीन फेंग गुस्से में बोलता है, तो तुम यहां पर मेरी बहन को मारना चाहते हो, सिनर तक पहुंचने से पहले तुम्हें यहाँ पर मेरा सामना करना पड़ेगा। यह सुनते ही जीलो डर जाता है, वहीं पर लीन फेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। अब जीलो वहाँ पर अकेला खड़ा होता है और उसकी ओर से कोई भी नहीं बोल रहा होता है। यह देखकर वह काफी परेशान हो जाता है और हिम्मत करके बोलता है, लीन फेंग आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम अभी मार्शल गॉड टेंपल के हेड के सामने खड़े हो, इसके बावजूद तुम यहाँ पर हम सभी लोगों को धमकी दे रहे हो। तभी वहाँ खड़ा दूसरा पर्सन बोलता है, लीन फेंग मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास गॉड लेवल मार्शल सोल है, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारी यहाँ पर जो मर्जी होगी तुम वही करोगे, तुम मार्शल गॉड टेंपल के हेड के सामने हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते। यह सुनते ही लीन फेंग अपनी पावर को रिलीज करता है और अब वह अपने फिनिक्स प्लाम से अटैक करते हुए जीलो को घायल कर देता है। तभी जीलो खड़ा होते हुए बोलता है, लीन फेंग आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुमने यहाँ पर मार्शल गॉड टेंपल के हेड के सामने उनके डिसाइपल को बुली करने की कोशिश की है। अब सभी लोग बोलने लगते हैं, लीन फेंग का बचना अब मुश्किल है क्योंकि उसने मास्टर सिंग युआन के सामने अपने से कमजोर को बुली करने की कोशिश की है। तभी जीलो खड़ा होते हुए सिंग युआन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वह यहां पर लीन फेंग को पनिश करे। वहीं खड़े हाइलान और सिंग युआन यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब हाइलान बोलता है, लीन फेंग को यहां पर शांत रहना चाहिए था, उसने जीलो पर अटैक करके अच्छा नहीं किया। तभी सिंग युआन बोलता है, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो यहाँ की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है, तो अब मुझे सभी लोगों के सामने उसे पनिश करना ही पड़ेगा। और यह बोलते हुए सिंग युआन अपनी पावर को रिलीज करता है, जो देखकर सभी लोग लीन फेंग के लिए परेशान हो जाते हैं। तभी सिंग युआन जीलो को पकड़कर उसकी कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब वह लोग बोलने लगते हैं, यहाँ पर जीलो तो विक्टम था, तो आखिर मास्टर सिंग युआन ने उसे पनिश क्यों किया। तभी सिंग युआन बोलता है, यहाँ पर गॉड ऑफ विल ने सिनर को इस टेस्ट में पास किया है, इसका यह मतलब है कि सिनर वल्केरी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकती है, तो आखिर तुम लोग कौन होते हो उसे पार्टिसिपेट करने से रोकने वाले, तो क्या यहाँ पर किसी और को इससे कोई प्रॉब्लम है। यह सुनते ही सभी लोग डर जाते हैं और मास्टर सिंग युआन से माफी मांगने लगते हैं। तभी जीलो बोलता है, सिनर एक डीमन है और वह वल्केरी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, और हम सभी लोग मार्शल गॉड टेंपल के डिसाइपल है, तो यह हमारा हक बनता है कि हम एक डीमन को टेंपल के अंदर जाने से रोके, तो मैं यहाँ पर चुप नहीं बैठूंगा और सिनर को टेंपल के अंदर नहीं जाने दूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।